दोस्तों पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में फिल्मों में काम करने के शौकीन हजारों लोग ऐसे थे जो इस इंडस्ट्री में आए, मगर उनमें चंद ही लोग ऐसे थे जिनको ख्वाबों की ताबीर मिली और वो फनकार शौकीन फिल्म के मियार पर पूरे उतरे और देखते ही देखते सुपरहिट फनकारों में उन्होंने अपनी जगह बना ली। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में कुछ ऐसे फनकार भी आए जिन्हें वो मकाम तो ना मिला जिसकी वो तमन्ना रखते थे, लेकिन वो काफी अरसा तक, कई सालों तक फिल्म इंडस्ट्री पर छाए रहे। आज मैं ऐसी ही अदाकारा के बारे में बताने जा रहा हूं जो फिल्म इंडस्ट्री में बतौर हीरोइन काम करना चाहती थी और उन्होंने काम किया भी, लेकिन ज्यादातर उन्होंने किरदार सान भी निभाए और बतौर रकासा उन्हें हमेशा पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की तारीख जब भी लिखी जाएगी तो याद किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बात कर रहा हूँ अदाकारा जुमुर्द की। अदाकारा जुमुर्द, जिनका पूरा नाम जुमुर्द सुल्ताना था, 1946 में मशरकी पाकिस्तान पंजाब के शहर अमृतसर में वो पैदा हुई। उन्होंने रक्स की तलीम उस वक्त के मशहूर उस्ताद मुश्ताक से सीखी थी। 1958 में हदायतकार मुंशी दिल की फिल्म हसरत में अदाकार यूसुफ खान की बहन का किरदार अदा करके अदाकारा जुमुर्द ने अपने फनी कैरियर का आगाज किया था, जबकि उनकी आखिरी फिल्म 1991 में रिलीज हुई थी जिसका नाम था बाबल। अदाकारा जुमुर्द का फनी कैरियर 33 साल पर मुहित है। उनकी कुल रिलीज शुदा फिल्मों की तादाद 233 है। उर्दू फिल्मों की बात करें तो उन्होंने 95 उर्दू फिल्मों में काम किया, 135 पंजाबी फिल्मों में काम किया, जबकि 3 पश्तो फिल्मों में भी उन्होंने अपनी अदाकारी के जोहर दिखाए। अदाकारा जुमुर्द ने जब फिल्मों में अदाकारी का आगाज किया तो इसी नाम से एक अदाकारा पहले से फिल्मों में काम कर रही थी, जिसकी वजह से लोगों ने उन दोनों में तमीज करने के लिए छोटी जुमुर्द और बड़ी जुमुर्द जो पहले से मौजूद थी ऐसे पुकारना शुरू कर दिया। जुमुर्द ने अपनी लहजा से पहचान बनाने के लिए अपना नाम सितारा रख लिया। ये नाम उन्होंने खुद नहीं रखा था, बल्कि उस दौर के मशहूर फिल्म साज हदायतकार शुबाब किरानवी ने अपनी फिल्म गुलबदन में उन्हें कास्ट करने से पहले उन्हें सितारा का नाम दिया। फिल्म गुलबदन 1960 में रिलीज हुई। फिल्म की मेन कास्ट में मसरन नजीर और एजाज शामिल थे। फिल्म गुलबदन में ही अदाकारा जुमुर्द, जिन्होंने सितारा नाम से उस फिल्म में काम किया था, एक बीन की धुन पर उन पर एक गाना भी फिल्माया गया था जिसके बोल थे, बजाई ये कैसी बीन ले सुख चैन मेरा छीन लिया। उस गाने पर फिल्म में उन्होंने उस दौर में उनके रक्स को बेहद पसंद किया और इस तरह जुमुर्द ने सितारा बनकर फिल्मी दुनिया में अपनी जगह बना ली। दोस्तों अगर बात करें कि सितारा बनकर जिन फिल्मों में जुमुर्द ने काम किया था तो उनमें फिल्म सहेली, आबरू, सोनी कुमारन, बम्बे वाला, मेरा क्या कसूर, आवाज दे कहां, सूरजमुखी, बुलबुल, बगदाद, गुलफरोश और फिल्म बरात वगैरह शामिल है। इन तमाम फिल्मों में बतौर रकासा और मुख्तसर किरदार जुमुर्द ने सितारा के नाम से अदा किए, लेकिन उन्हें सितारा के नाम से भी कोई नुमाया मकाम फिल्म इंडस्ट्री में ना मिल सका जिस इरादे से वो फिल्मी सनत में आई थी। अभी उनकी मंजिल दूर थी, मगर एक बाहिम्मत और मजबूत इरादे की वो खातून थी। उन्होंने हिम्मत ना हारी और मेहनत करती गईं। 1963 में कराची में बनने वाली फिल्म हमें भी जीने दो के फिल्म साज हदायतकार बट काशर थे। उन्होंने अपनी फिल्म हमें भी जीने दो में पहली बार जुमुर्द को सोलो हीरोइन के तौर पर कास्ट किया और उनके मद्दे मुकाबल एक नए हीरो हनीफ को मुतारफ कराया जो दिलीप कुमार की मुशाबत रखते थे। फिल्म के प्रोड्यूसर ने जुमुर्द को सितारा की बजाय नए नाम यानी नाजी के नाम से उस फिल्म में इंट्रोड्यूस करवाया और उन्हें इंडियन अदाकारा कामनी कौशल के नाम से पब्लिसिटी दी, क्योंकि फिल्म के हीरो को वो पहले ही पाकिस्तानी दिलीप कुमार मशहूर कर चुके थे और फिल्म की पब्लिसिटी में बकायदा ये लिखा गया कि पाकिस्तानी कामनी कौशल और पाकिस्तानी दिलीप कुमार। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो खातर ख्वाह नतीजा बराबर ना हो सका। तकदीर की सितम जरीफी देखिए, जुमुर्द से वो सितारा बनी और सितारा से नाजी बन गई, लेकिन उन्हें वो मकाम ना मिल सका जिसकी वो मतमन्नी थी। लेकिन अदाकारा जुमुर्द साबर अदाकारा थी और किस्मत का फैसला समझते हुए बतौर कासा और सानवी हसीयत में वो फिर से काम करने लगी और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में वो बतौर साइड हीरोइन मशहूर हो गईं। 1968 में हदायतकार एम रजा की म्यूजिकल रोमानवी फिल्म
कटारी में पहली मर्तबा अदाकारा जुमर्द को टाइटल रोल मिला। उस फिल्म में मशहूर अदाकार सदाकार तारक अजीज ने बतौर हीरो किरदार निभाया। फिल्म कटारी एक खूबसूरत नगमाती फिल्म थी, मगर तारक अजीज की ओवर एक्टिंग की वजह से फ्लॉप हो गई। ये फिल्म 8 मार्च ईद उल अज़हा के मौके पर रिलीज हुई थी और लाहौर के खूबसूरत सिनेमा गुलस्तान का इफ्तिताह उसी फिल्म से हुआ था। 1973 में रिलीज होने वाली हदायतकार इकबाल कश्मीरी की पंजाबी फिल्म जिद्दी में जुमुरद की अदाकारी को फिल्म इन्होंने बेहद एक दफा फिर पसंद किया। यूसुफ खान ने जिद्दी के किरदार को उम्दा फितरी तकाजों के साथ अदा किया। फरदौस उस फिल्म की हीरोइन थी जबकि एजाज उस फिल्म के हीरो थे। फिल्म जिद्दी में जुमुरद पर फरमाया गया गाना तेरे नाल नाल वे मैं रहना बहुत ही मकबूल हुआ। और इसी फिल्म से अदाकारा जुमुरद का दूसरा दौर शुरू हुआ, जिसमें वो ज्यादातर पंजाबी फिल्मों में बतौर आइटम सॉन्ग डांसर के बेहद कामयाब रही। माजी की जुमुरद को जब फिल्म इन्होंने दोबारा स्क्रीन पर देखा तो खुश आमदेद कहा। उनके डांस बॉक्स ऑफिस की जरूरत बन गए। पंजाबी फिल्मों में उनकी मसरूफियात में इजाफा हो गया। वो अपनी ग्रेसफुल शख्सियत और मिलनसार तबीयत की वजह से उस दौर की पंजाबी फिल्मों की जरूरत बन गई और उन्होंने फिल्म साहब जी, मोती ते डोगर, मुराद खां, रॉका, नमक हलाल, इश्क पेचा, बादशाह, राजा रानी, दी रानी, चांदनी, बाबर खान, चूड़ियां, चंद ते सूरमा, नागन नाचे और फिल्म तोहफा में काम किया। लेकिन इन तमाम फिल्मों में वो बतौर रकासा एटम सॉन्ग में नजर आई। अदाकारा जुमुरद की आखिरी फिल्म बाबल थी जो 1991 में रिलीज हुई। उसके बाद वो मुकम्मल तौर पर अपनी घरेलू जिंदगी और फैमिली में मसरूफ हो गई। ना तो वो इंटरव्यू देने की शौकीन रही और ना ही वो कभी किसी फिल्मी अखबार की जीनत बनी। अदाकारा जुमुरद का चेहरा किसी खास जज्बाती और मानवी किरदारों के लिए कभी भी मौजूद नहीं रहा और ना ही उन्होंने अपनी इस कमजोरी को कभी अहमियत दी। अदाकारा जुमुरद निजी जिंदगी में बेहद मिलनसार, वजाकता और मोहब्बत करने वाली खातून है। तमाम फनी कैरियर में उन्होंने कभी पैसे को अहमियत ना दी थी। जिस फिल्म साज ने उन्हें जो मुआवजा दिया उन्होंने सब्र और शुक्र से वो ले लिया और कभी भी किसी प्रोड्यूसर से मुआवजा कम मिलने का शिकवा कभी जुबान पर नहीं लाया था। 1970 की दहाई के शुरू में अदाकारा जुमुरद अपने कैरियर के अरूज पर थी और वो अपने रक्स की वजह से बहुत मशहूर थी। उस वक्त के सदर जनरल यहिया ने उन्हें एक दफा अपनी निजी महफिल में बुलाया और जनरल यहिया के बारे में ये मशहूर था कि वो शराबो शबाब के बहुत शौकीन थे। जब अदाकारा जुमुरद उनके सामने रक्स कर रही थी तो उन्होंने अदाकारा जुमुरद को छूने की कोशिश की। उनके उस अमल पर अदाकारा जुमुरद ने उन्हें थप्पड़ मारा और साथ ये भी कहा कि हर रक्स करने वाली तौइफ नहीं होती। उनका ये किस्सा बाद में बहुत ज्यादा मकबूल और मशहूर भी हुआ। अब बात करते हैं अदाकारा जुमुरद की अज़वाज जिंदगी की। अदाकारा जुमुरद जब अपने करियर के अरूज पर थी तो वो अदाकार शाहद की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गईं, बल्कि अदाकार शाहद ने उन्हें अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा लिया और फिर अदाकारा जुमुरद ने अदाकार शाहद से शादी कर ली। उस शादी को जुमुरद ने बहुत संजीदगी से लिया और सोच लिया कि अब वो फिल्म इंडस्ट्री को भी छोड़ देंगी, लेकिन ये क्या था, शाहद ने ही उन्हें रास्ते में छोड़ दिया। उस शादी से जुमुरद की एक बेटी भी पैदा हुई जिसका नाम उन्होंने राबिया शाहद रखा। राबिया की परवरिश में जुमुरद ने खुद को एक बार फिर जदोजहद के सफर पर गामजन कर लिया और फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। शाहद से अलहदगी के काफी अरसा बाद जुमुरद ने दूसरी शादी की और दूसरे शोहर के साथ वो हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रही हैं। अभी उनकी बेटी राबिया शाहद भी जवान है और उसकी शादी हो चुकी है। दोस्तों, ये थी कहानी पाकिस्तान की मशहूर मरूफ अदाकारा जुमुरद सुल्ताना की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप भी हमें अपना प्यार दीजिए, अपनी मोहब्बत दीजिए और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। मोजस सब्सक्राइबर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपना वक्त निकालते हैं और अपनी कीमती राय हमारी वीडियोज पर देते हैं। हमारी प्रीसी है कि हम आपके कमेंट्स को अपनी अगली वीडियोस में
शामिल करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।